और कोहरा अभी से पता लग गया। हाँ ठीक है, हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। और भाई देख सकते हैं कितनी खतरनाक लग रही है हार्ले भाई, ये तो बहुत ब्रूटल लग रही है, बहुत है। इन्हें देख लो भाई, रोड के बीच में रॉन्ग साइड मोड़ते हो, पूरा यूटर्न ले रहे हैं। चेक करो अभी दीवांश और अभी आए मिलने हमसे, और ये बाइक की साउंड चेक करना चाहते हैं, तो दीवांश भाई एक बार आप करना, फिर ये अभी भाई करें, ठीक है? करो हल्का सा थ्रॉटल दो, हल्का सा थ्रॉटल दो, एक्सीलरेट करो, सुबह क्या हो रहा है कॉलेज में। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल टाइम हो चुका है सुबह के 7 और आज ऑन टाइम जा रहा हूँ मैं। देखते हैं आज कहाँ जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। भैया और उन्होंने कहा चलो ठीक है टोल टैक्सी मिलते हैं, उसके बाद सोचेंगे जाना कहाँ है। गाइस फिलहाल हम दो ही है, विप्लव भी है और मैं, क्योंकि यहाँ लोग भी है तो आज से कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो लोग नहीं आ रहे। चले भैया, तो एक जीनो और एक निंजा 650, सिर्फ दो ही बंदे हैं। देखते हैं यार कहाँ तक जा पाते हैं। सर्दी इतनी भयंकर है ना भाई, क्या बताऊँ, बहुत बुरा हाल होगा सर्दी में। कोहरा सामने देख सकते हो, कितना भयंकर कोहरा हो रखा है, और आगे और भी ज्यादा होने वाला है। जैसे ही यूपी में एंट्री करें ना भाई, वहाँ पे कोहरा बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे तो इतना नहीं है फिर भी। सो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सूरज देवता भाई? सही बताओ ना, अब तक मुझे लगता है 20 से 25 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हम लोग, लेकिन ना बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है। और हाईवे इतना सही है ना ये, लेकिन फिर भी हम 100-120 चला रहे हैं। और सामने क्या हो गया भाई, बाइक वाला गिर गया था शायद, लगी तो नहीं गिरा नहीं, वैसे ही खड़े होते हैं सामने। पता नहीं आप लोगों को कोहरा दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो कैमरे में, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है। जैसे कहते हैं ना आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा, ऐसे रोड पे कोहरा ही कोहरा हो रखा है फिलहाल, वो वाले काम हो रखा है। और इतना भयंकर कोहरा है ना, पता नहीं आप लोग कैमरे में देख पा रहे हो नहीं, लेकिन रियल में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है भाई। और सर्दी तो यहाँ पर मुझे लगता है आगे और भी भयंकर होने वाली है। इन्हें देख लो भाई, रोड के बीच में रॉन्ग साइड मोड़ते हो, पूरा यूटर्न ले रहे हैं। लिपर हेडी, वाह वाह, टच कर दी भाई इस सर्दी में भी, 150 टच कर दी। लेकिन हाल यार बहुत बुरा है, सिर्फ कोहरा है, हाँ तो और भी ज्यादा है। यूपी में एंट्री करने वाले और कोहरा अभी से पता लग गया। भाई ठीक है, हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। सो गाइस वेलकम टू उत्तर प्रदेश। चेक पोस्ट है यार, आपने बैरियर हटा दिए इस टाइम, पता नहीं क्यों हटा रखे अब। एक सौ ग्यारह चल रही उनकी, 110 सेम स्पीड हम लोग। निंजा 650 और जीनो 100 का जो मीटर है भाई वो पूरा फुल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर एक्चुअली प्लान हमारा पीछे रुकने का था, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा ना धूप निकल चुकी है, तो हमें लगा क्यों ना यार मंसूरपुर जो फूड कोर्ट है वहाँ पे जाके कुछ खाया पिया जाए, थोड़ी राइड भी अच्छी हो जाएगी प्रॉपर, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि अभी ना आधा पौन घंटा ही हुआ है, 7:45 हुए और हम आधे घंटे के अंदर मुजफ्फरनगर हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाया हमने बाइक ना, मैक्सिमम 120-130 एक बार में लेके गया 150 प्लस, लेकिन उसके बाद वही 100-120, तो हमें लगा क्यों ना 15 मिनट का रास्ता है मंसूरपुर जो फूड कोर्ट है वहाँ तक जाया जाए और उसके बाद कुछ खाया जाए। मुश्किल से 1 मिनट लगेगी। और अभी टाइम हुआ 7:45। भाई क्या कर रहे हो यार,
भैया ने कह दिया भाई अपना स्टॉपेज आ चुका है और हम लगभग कितना 45 मिनट के अंदर अब देखता हूँ कितना कवर किया हमने यहाँ पे। और अभी कोई ज़्यादा स्पीड नहीं दिया, नॉर्मल स्पीड में आए हम लोग, इतनी कोई हाई स्पीड हमने नहीं करी। ठीक 8 बजे एंट्री होगी क्या? ओके सही, 8 बजे एंट्री कर चुके हैं और 45 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों को लगता है कि हमने कवर किया है अप्रोक्स 630 किलोमीटर। एग्जॉस्ट चेंज करा दिया क्यों? तो गाइस देख सकते हैं हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके निकल ही रहते हैं, तो हमने यहाँ पे भैया और को देखा जो सहारनपुर से आ रखे हैं, और बाइक देख सकते हैं कितनी खतरनाक लग रही है, हार्ले भाई ये तो बहुत ब्रूटल लग रही है, बहुत हैवी। तो अब निकलते हैं यहाँ से, चले भैया। हाँ डेजल लेटर, अच्छा आप कावासाकी ग्रुप में हो, कैस किस नाम से हो आप? अच्छा ओके सर, ठीक है ध्रुव भाई, नाइस टू मीट यू। तो ध्रुव भाई हमारे एक ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है उन्होंने, कावासाकी ग्रुप जो देहरादून वालों ने बना हुआ है, ध्रुव भाई उसके अंदर ही है, तो उन्होंने पहचान लिया अपनी बाइक देख के, डेजल लेटर लिखा हुआ था। फिलहाल जो हमने लगा लिया इसमें भाई राइडर मोड, अब ना स्पोर्ट्स मोड की मैं इसे प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो अब राइडर मोड की प्रैक्टिस करें इस बाइक को लेकर। काफ़ी दिन मैंने पहले से रोड मोड पे चलाया, फिर उसके बाद मैं स्पोर्ट्स मोड पे आया, रेन मोड में भी चला चुका हूँ, अब राइडर मोड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि राइडर मोड में ना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है और पावर जो हमारी फुल पे है, तो आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ना बाइक को पहले पूरा समझना चाहिए, जब आप उसे प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हो तभी आप उसको नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए। स्टार्टिंग में फुल पावर पे चला जाऊँगा ना भाई तो बड़ी दिक्कत होती है, तो अब अप्रोक्स मुझे 4-5 महीने हो चुके हैं इस बाइक को चलाते चलाते, तो अब इसका जो है राइडर मोड पे चलाया करेंगे इसे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब किए मत जाना, और कमेंट कर सकते हो आप लोग भाई बिल्कुल। भाई गोली सी निकल रही है, बताए ऐसे निकली, हल्का सा टोटल दिया और क्यों। और ये बात रिसेंटली मैंने किसी से सीखी है, एक भाई हमें इंस्टाग्राम पे मिले थे, उन्होंने बताया था कि आप ना डायरेक्ट लीटर क्लास पे जाओगे ना तो उसकी पावर आप हैंडल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए जी दोस्तों जो है भाई इस सेगमेंट में बेस्ट है। सुपर बाइक आप ले लो 650 ले लो भाई, 300 ले लो, 300 भी अच्छी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, उसके बाद 650 आप ले रहे हो ज़्यादा बेस्ट है। और जी 900 की अगर आपने पावर हैंडल कर ली और अच्छा खासा आप एक्सपीरियंस ले सकते हो उस बाइक पे, उसके बाद आप लीटर क्लास पे जा सकते हो, आप डायरेक्ट लीटर क्लास पे जाओगे ना भाई उसकी पावर हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बाइक से मुझे मे भी एक्सपीरियंस मिल जाए तो आगे हम लीटर क्लास लेंगे जल्दी, पहले इसका अच्छे से एक्सपीरियंस कर लेते हैं उसके बाद लीटर क्लास पे जाने की ट्राई करें। और अगर आप लोगों की दिया रही यूट्यूब से कुछ इनकम आई तो जल्दी कोई हैवी बाइक आपको देखने को मिल जाएगी लीटर क्लास में। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना भैया हमें भी राइड पे लेके चलो, हमें भी राइड पे लेके चलो, भाई उसी चीज़ के लिए ना आपको प्रॉपर सेफ्टी गियर देना पड़ेगा, और प्रॉपर आपकी जो एज है वो 22 से प्लस होनी चाहिए, साथ साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस कल को आपको कुछ हो जाए हमें कुछ हो जाए ना तो उसकी जो दिक्कत आती है ना वो साथ वालों के लिए आती है और आपके घर वालों को सबसे पहले दिक्कत आती है, तो थोड़ा ना सेफ्टी ज़रूरी है। पटाखे किस कदर मार रही है भाई, और रिएक्शन सामने बच्चे के देख ही सकते हैं कितने प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं भाई, और हाई हेलो करते हुए जा रहे हैं। तो चलो ठीक है निकलते हैं, तो मंगलोर से पहले जो ये रास्ता है ये इधर गांव की तरफ निकलता है और लोग यहाँ पे रॉन्ग साइड आते हैं, सिंगल वे है लेकिन फिर भी लोग इधर से आते हैं, सामने से देख सकते हो ट्रैक्टर आ गया, तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है। और मैक्सिमम ना मैं हर बार जब भी देखता हूँ देखो बाइक वाले रिक्शा हर कोई रॉन्ग साइड आता है, पता नहीं क्यों, अपना 2 मिनट का समय बचाने के लिए अपनी जान ही रिस्क भी लेते हैं और दूसरों की भी साथ साथ। आप लोगों से एक सजेशन लेना भाई, जो लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं रेगुलर देखते हैं तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ भाई अपनी जो टैंक है ना भाई उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, जो अपने लैमिनेशन वगैरह करा रखी थी पहले, अब वो जहाँ जहाँ से फट रही है यहाँ पे टैंक से, क्या आप जो ट्रांसपेरेंट लैमिनेशन कराई थी कोटिंग कराई थी, तो अब मैं सोच रहा हूँ इसकी है ना कोई प्रिंटेड कराई जाए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई अगर आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हो और आप इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हो, डेजल लेटर आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज करिए, मैं हर मैसेज के आपको रिप्लाई करता हूँ हमेशा,
तो वहाँ पे ना यार कोई अच्छे अच्छे अगर आपको डिजाइन पता है, कोई रैपिंग पता है कि आप इस तरह करा सकते हो, जीनोसो टैंक ऐसा करा सकते हो, तो भाई प्लीज़ आप लोग मोस्ट वेलकम है भाई। एक दो सजेशन दे दो, थोड़ी हेल्प मुझे ही मिल जाएगी। एक्चुअली मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ क्या कराऊँ क्या ना कराऊँ। जिसका भी मुझे बेस्ट लगेगा ना भाई, वो वाली रैपिंग हम इसके टैंक के ऊपर कराएंगे और आगे आने वाले दिनों में से धीरे धीरे मॉडिफाई करते रहेंगे। हालांकि इसके जो मिरर है वो भी मैं शायद जल्दी चेंज कराने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ना विजिबिलिटी की बड़ी दिक्कत है थोड़ी बहुत, तो हो सकता है इसमें दूसरे मिरर मैं अपग्रेड करूँ। तो भाई आप लोग प्लीज़ यार, जिसको पता है, जिसको इसी में इंटरेस्ट है, जो देखता रहता है रेगुलर, अगर किसी को पता है भाई को अच्छी रैप, तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कर देना इंस्टाग्राम पे। मुझे लगता है विप्लव भी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सवारी अगर रहते हैं उनका यहाँ से पास पड़ेगा, तो धीरे चलता हूँ एक बार उनसे ही बात कर लेता हूँ। रुकने के लिए बोलो सर। अरे हेलो भाई, हेलो हेलो यार। इसे क्रॉस करके रुक लूँ क्या? भैया काफ़ी देर से देख रहे थे मैंने, आप लोग पीछे आ रहे थे। हेलो भाई जी, क्या है भैया? अक्षय, महाराज से? अरे भाई जी ठीक है भैया, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, राइड सेफ, एंड लव यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और ध्यान से चलाए भाई, थोड़ा सेफ्टी से चलाए, सेफ्टी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग हाई स्पीड ही देखोगे खाली, अपनी सेफ्टी पहले, स्पीड बाद में।